ये बिल्कुल सामने हमारे ट्विंग्स टावर है, ये देख रहे हैं। She's Japanese. Yeah, Japanese. Top accent is different. ये मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, अब बहुत मछलियाँ तैरते हुए आपको दिखाई नहीं दी। कोनिचिवा। कोनिचिवा। ओह, good. थानोशिंदे। 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 Say in Pakistani language like कैसे हो आप सब? क्या किसे हो? कैसे हो आप सब? क्या किसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। वही वीडियो के स्टार्ट में आप लोग देख चुके होंगे कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। मैं भाई इस वक्त मौजूद हूँ मलेशिया में, कुआलालंपुर कैपिटल सिटी में, और कुआलालंपुर के सबसे खूबसूरत तरीन और एक्सपेंसिव तरीन होटल में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। इसमें भाई मेरे हमें एक इन्फिनिटी पूल देखने को मिलता है। तो जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो लाजमी यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आते हैं। ये क्वाइट है एक्सपेंसिव, लेकिन जो भाई इसका व्यू है ना टू रूफ टॉप से, वो भाई कमाल का, पूरा ही कुआलालंपुर आपको दिखाई देता है 360 डिग्री व्यू में। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई मैं अपने रूम से शुरू करूंगा, आप ये चेक करें भाई, ये मेरा रूम है भाई, ये देखें काफ़ी बड़ा सा रूम इन्होंने दिया हुआ है भाई। ये भाई ट्विंस बेड है, दो बंदे रुक सकते हैं एक ही रूम में और एक ही पेमेंट पे। ये भाई मेरे पैनासोनिक की एक अच्छी सी LED इन्होंने लगा के दी हुई है, इस पर रात को मैं या तो गेम खेलूंगा और या मूवी देखूंगा। उसके बाद भाई मेरे यहाँ अलमारीज हैं, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, और ये चेक करा देता हूँ आपको, ये देखें। और ये भाई मेरे इनका हाई फाई किस्म का टॉयलेट है, ये चेक करते हैं। ये भाई पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप फेस वगैरह जो करना है अपने आप को तैयार करें। यहाँ भाई टॉयलेट दिया हुआ, ये व्यू आपको देखने को मिलता है रूम का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई रूम का। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है कमरे का, मैंने बुरा हाल किया। एक फ्रिज दिया हुआ है भाई इन्होंने, एक केटल देखने को मिलता है भाई। इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लैंप लगाए हुए हैं अगर आपने यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके बाद भाई मैं आपको ये व्यू दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से आप व्यू देखें जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। ये देखें भाई, सिटी का व्यू है भाई, ये सारा। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं ऊपर भाई और इन्फिनिटी पुल देखते हैं, क्योंकि रात को अलग माहौल होता है और अभी सूरज डूब गया है, तो अभी भी कुछ ना कुछ हमें व्यूज़ देखने को मिलेंगे भाई। तो वो हम लोग जाके देखते हैं और आप लोगों को एक्सपीरियंस कराते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप अगर कुआलालंपुर आते हैं तो आपने किस तरीके से इसको लेना है होटल को, क्योंकि आप अक्सर बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर यही होटल दो टाइप का है, तो वही मैं आपको डिफरेंस दिखाऊँगा। तो चलते हैं ऊपर भाई, चलें जी। तो चलते हैं भाई, तैयार मैार हम हो चुके हैं, अब चलते हैं रूफ टॉप की तरफ, देखते हैं रूफ टॉप पे क्या हो रहा है भाई। अपना कार्ड लेंगे रूम से और चलिए। अगर ये कार्ड नहीं होंगे तो आप लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। देखते हैं भाई, 51 फ्लोर पे यहाँ पे हमने जाना है, लास्ट फ्लोर पर। ये देखें भाई, रूफ टॉप पर हम पहुँच चुके हैं भाई, बारिश शुरू है हल्की हल्की सी, और क्या ही व्यू है भाई। ये देखें, ये भाई मेरे कुआलालंपुर टावर है, उस तरफ मेरे ख्याल से वो है। वाह, चेक करें भाई, लोग भाग रहे हैं, हवाएं भाई चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि भाई यहाँ पे जो मैंने होटल लिया है, ये है जो मैंने लिया है, ये प्लाटिनियम स्विस 2 है। अगर आपने लेना है तो प्लाटिनियम स्विस 2 ही लेना है, क्योंकि इससे आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा, और उस साइड पे भाई आपको ट्विंस टावर का भी व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप लोग गलती से ये प्लाटिनियम टावर 1 कराते हैं भाई, तो उसमें आपको सिर्फ ये व्यू देखने को मिलेगा, वो वाला व्यू आपको देखने को नहीं मिलने वाला। चलते हैं आगे, आप लोगों को पूरा इन्फिनिटी पुल दिखाते हैं। ये भाई इन्होंने पहले बनाया हुआ है बच्चों के लिए, इधर लेट जाओ, ये छोटे बच्चों के लिए है भाई, ये वाला। ये भाई एक पुल है यहाँ पे इन्फिनिटी, ये भाई देखें, ये बहुत बड़ा इन्फिनिटी पुल है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ भाई। इसमें आपको फुल व्यू देखने को मिलता है, और दोनों तरफ से बहुत बड़ा इसका व्यू है, ये देखें इस साइड पे भी है। ओए ओए ओए, बारिश बड़ी तेज है,
ओह माय गॉड, ये सामने देखिए ट्विंस टावर है। ये बारिश रुकेगी तो फिर हम आएंगे भाई। ये बिल्कुल सामने हमारे ट्विंस टावर है, ये देख रहे हैं। ये इस साइड पे भी है, फुल नाइट में यहाँ पे और रौनक होती है। ये देखें, कैमरा ख़राब हो जाएगा, ये वाटरप्रूफ नहीं है। बारिश ने डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। जो ऊपर व्यू देखने को मिलता है और जो रौनक होती है, दुनिया जहाँ से लोग आए होते हैं भाई एंजॉय करने। ये होटल मुझे पाकिस्तानी पीकेआर में राउंड अबाउट पड़ा हुआ है कोई 12 से 13 हज़ार रुपए में, लेकिन भाई ये पैसे वर्थ इट हैं। अगर आप ये व्यू आपको आइकॉनिक देखने को मिले तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे 50 हज़ार रुपये भी कम है जो यहाँ का व्यू है। ये व्यू चेक करें भाई, इस व्यू के लिए मैं कहता हूँ भाई 50 हज़ार रुपये भी कम है अगर कोई आपसे ले। ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत व्यू है भाई। ये देख रहे हैं भाई क्या व्यू है, ये पूरा सिटी का स्काईलाइन व्यू है, यहाँ से देखने को मिलता है आपको। थोड़ी थोड़ी सी कम हुई है, बारिश भी कम हुई है भाई। और ये व्यू चेक करें ट्विंस टावर का, माशाल्लाह से वाह क्या व्यू है भाई, आउटस्टैंडिंग व्यू है भाई, कमाल का व्यू है। मैं कहता हूँ बस कैश हो गए। ये देखें आइकॉनिक व्यू है, ये आउटस्टैंडिंग। ये बिल्कुल सामने भाई पहाड़ महाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखें ये सिटी से आउटसाइड, ये डाउनटाउन है जहाँ पे मैं ठहरा हूँ इस वक्त, ये सारा डाउनटाउन है। और ये इन्फिनिटी पुल चेक करें, बहुत खूबसूरत पुल बनाया हुआ है, इसमें हम रात को इंशाल्लाह ज़रूर नहाएंगे और मौज करेंगे भाई। तो फाइनली भाई बारिश रुक चुकी है, मैं काफ़ी टाइम से यहीं पे बैठा हुआ था ऊपर, मौसम को एंजॉय कर रहा था और ये खूबसूरत व्यू देख रहा था भाई इस होटल का। और मैं कहूँगा भाई कि जो भी मलेशिया आता है इस होटल को आपने लाजमी विज़िट करना है भाई। इसका नाम है भाई प्लाटीनियम स्वीट्स 2। यहाँ लाजमी आपने आना है, यहाँ का जो व्यू है भाई वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और बहुत डिफरेंट कंट्री से लोग आए होते हैं और आप यहाँ पे खूब इंजॉय कर सकते हो। और अभी भाई लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, मैं आपको अभी नाइट का व्यू थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर उसके बाद भाई मैं कपड़े चेंज करने जाता हूँ और मैं अभी नहाता हूँ, क्योंकि या फिर मैं वीडियो बनाऊँगा या मैं इंजॉय करूँगा, क्योंकि वीडियोज़ की वजह से बहुत सारे मोमेंट जो है वो इंसान से मिस हो जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आपको अभी का माहौल दिखाता हूँ। उसके बाद भाई मेरे मैं नीचे जाके कच्चे मच्छे पहनता हूँ भाई और अपना आके पानी में कूदता हूँ और सारी रात नहाऊँगा भाई, सारी रात। लेट मी शो यू, ये आप चेक करें भाई, ये इस वक्त नाइट का माहौल है, लाइटिंग सारी ऑन हो चुकी है भाई। ये भाई जो ये वाला है ना प्लाटीनियम 1 है, इसमें आपने गलती से भी नहीं आना। ये देखो ये अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल खाली है, कोई भी देखें इसके अंदर नहीं मौजूद, ये बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर आपने नहीं आना। ये सिटी व्यू चेक करें नाइट में भाई, क्या ही खूबसूरत व्यू है। लाइटें ऑन हो रही हैं धीरे धीरे नीचे स्काई लाइन की, और आपको इस साइड दिखाते हैं कि अभी लोग धीरे धीरे से आ रहे हैं इधर, बच्चे भी फैमिलीज़ भी इंजॉय करने। और मैं ये एक दो क्लिप बना के उसके बाद भाई मेरे जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और फिर सही मज़े से नहाता हूँ, ठीक हो गया भाई। और कैमरे का रिज़ल्ट भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आ रहा है, आई थिंक सो, क्योंकि ये भाई मैंने ख़र्चा किया, बड़ा एक्सपेंसिव कैमरा लिया। ये आप चेक करें, ये देखें भाई कुछ देखने को मिलेगा आपको, बस एक चीज़ है चाइनीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये आप देखें भाई स्काई लाइन व्यू, अभी देखें ये मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, अच्छा इस तरह बहुत मछलियाँ तैरती हुई आपको दिखाई देंगी। कंट्रोल, हम
ये देखें भाई, ये लाइटिंग ऑन हो चुकी है। ये नाइट का व्यू है, ये देखें बच्चे मच्छे नहा रहे हैं। स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग व्यू है। ये सामने भाई ट्विन्स टावर है, बिल्कुल हमारे सामने। हेलो नी हाओ। ये भाई देखें सारे एंजॉय कर रहे हैं। इस साइड से भी जरा स्काईलाइन का व्यू बना लेते हैं भाई। ये चेक करें आउटस्टैंडिंग व्यू। ये देखें ये पूरा कुआलालंपुर भाई यहाँ से दिखाई देता है आपको। यहाँ से पूरा का पूरा कुआलालंपुर आपको क्लियर दिखाई देगा। क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर भाई। लो लाइट परफॉर्मेंस मैंने ऑन कर ली है भाई पॉकेट 3 की, और लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी आउटस्टैंडिंग है यार। ये चेक करें रिजल्ट इसका लो लाइट का। ये पीछे भाई मेरे कुआलालंपुर का स्काई व्यू है, ट्विन टावर। ये चेक करें, अभी आपको लो लाइट का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये चेक करें लो लाइट, लो लाइट इस कैमरे का भाई आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल। ये था भाई नाइट का व्यू, और अभी भी रौनक बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन 2 घंटे रह गए हैं। 10 बजे ये क्लोज़ हो जाता है, सुबह 10 बजे ओपन होता है और रात को 10 बजे क्लोज़ होता है, तो टाइम कम है, जिसकी वजह से मुझे नीचे जाना है और कपड़े चेंज करके मुझे थोड़ा स्विमिंग पूल का मज़ा लेना है। और कोशिश करूँगा कि अंदर भी स्विमिंग पूल की वीडियो बना सकूँ मैं, अगर ना बना पाया भाई तो इन्जॉय तो कर ही लूँगा। Camera result is very night camera. Company. Yeah, it's Shenzhen company. Yeah. DJI. DJI. DJI is a very good drone company. With my Japanese friend. Yeah. Konnichiwa. Konnichiwa. Arigato. Arigato. Oh. Just want to capture memories. Yeah. Yeah. Not for money. Not for money. Yeah. So crowded now. So crowded. Yeah. Hey. Japanese. Who? She's Japanese. Ah. Oh. She's Japanese. Yeah, Japanese. Stop accent is different. Oh. You can say in Pakistani language like kaise ho aap sab? Kya kaise ho? Kaise ho aap sab? Kaise ho aap sab? Salam. 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 It's like hello. Hello. Salam. Yeah. Ah, okay. Salam. Salam. I can be more smarter. You can learn Pakistani language. Okay. She is the cutest girl in Japan. Hello. She is the cutest. Maybe she. Which one? Yeah, this one. Japanese. This one? Yeah, she's Japanese. It means I cannot define. और जापानी दोस्त मिले हुए हैं हमें, उनके साथ एंजॉय करना। ये हमारा जापानी दोस्त तस्वीरें ले रहे हैं भाई, अपने जापानी इसको मिल गए। Arigato. He's living in Osaka. Oh. Suita. Living. Hello. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. He says he's waiting in Japan. Oh.
Good. Enjoy, enjoy. Enjoy. How to say enjoy in Japan? 楽しんで. 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 She's 22. Oh, she's 22. I can imagine she's 22. Maybe she would say 25. Yeah. I'm still kid. Yeah. I want to be still kid. Yeah. This is low light mode. बस यही चीज़ है भाई, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस यही नहाना है यहाँ पे और ये स्काई व्यू आपको दिखाई देंगे सारे।